2022 विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी दावे और वादों का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कई अहम घोषणाएं की हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की जनता को 6 बड़ी गारंटी दी है। सीएम केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर सबको मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराने का वादा किया है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तरह ही पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया है और राज्य में 16,000 पिंड क्लिनिक बनवाए जाने का वादा किया है। तो पंजाब की जनता को ये 6 वादे, मुफ्त और अच्छा इलाज का वादा, सभी दवाइयां, टेस्ट, ऑपरेशन, इलाज मुफ्त देने का वादा, हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड देने का वादा, राज्य में 16,000 पिंड क्लिनिक खोलने का वादा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज का वादा। पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। तो मुफ्त और अच्छा इलाज, अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका मां है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को, जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के कॉफिन ना सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा, शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशनड कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह है, शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। छठी और आखिरी गारंटी, पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं। और वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान पर भी केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन आज राज्य में सरकार का तमाशा बना दिया गया है।
साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है, सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है, आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.